Welcome students. So this is our next lecture in our video lecture series that is data structure using C. तो अभी तक हम अपनी video lecture series में up to stacks तक हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने stacks के बारे में पढ़ा, introduction to stacks, how to implement stacks, and stacks को कैसे implement करते हैं using array and using लिंक लिस्ट. उसके बाद स्टैक के क्या क्या यूजेस हैं, उनको हम एल्गोरिथम या प्रोग्रामिंग वर्ड में हम कहाँ पे यूज करते हैं. तो आज चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक्स अपनी यूनिट 4 में देखते हैं जो आज हमें पढ़ने हैं. तो अभी तक हमने जो जो टॉपिक कर लिए हैं, इंट्रोडक्शन टू स्टैक्स ये हमने कर लिया था, हाउ टू रिप्रेजेंट स्टैक्स ये भी हमने कम्प्लीट कर लिया है. आफ्टर दैट implementation of stacks using array and using linked list ये भी हम already कर चुके हैं. and uses of stacks कहाँ कहाँ use होते हैं ये सब हमने पढ़ लिया है. तो आज हम next दो topics जिसमें what is queues, introduction of queues and implementation of queues with algorithm and implementation with array एंड विथ लिंक लिस्ट, ये दो टॉपिक हम कवर करेंगे और बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज क्यू. क्यू इज ए लीनियर स्ट्रक्चर, ये भी आपका एक लीनियर स्ट्रक्चर है सिमिलर टू स्टैक. मतलब जो ब्लॉक्स ऑफ डेटा होंगे वो एक लीनियर वे में रिप्रेजेंट किए जाएंगे. ठीक है, मींस विद द हेल्प ऑफ एरे, जिसमें हमारा क्या होता है कलेक्शन ऑफ डेटा होता है. तो ये डिफरेंट डेटा है जिसको हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा एरे है. तो यहाँ पे लीनियर ब्लॉक्स की फॉर्म में मींस आइटम आपके यहाँ प्लेस्ड होंगे, फर्स्ट ब्लॉक, देन सेकेंड ब्लॉक, देन थर्ड ब्लॉक, देन फोर्थ ब्लॉक, देन फिफ्थ ब्लॉक, एट द एंड सिक्स्थ ब्लॉक. तो व्हाट एवर विल बी द साइज The item will be placed accordingly. तो linear का मतलब यहाँ पे है कि ये एक linear structure को follow करेंगे. तो एक line की तरह, जैसे एक line में points establish होते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक linear structure follow होगा. Which follow a particular order. जो एक particular order को follow करेंगे और जहाँ पे operations perform होंगी. अब यहाँ पे difference क्या है? What is the difference between stacks? एंड क्यूज. क्यूज का सिंपल मतलब है लाइन. आपने कहीं पे भी देखा होगा, कहीं पे अगर लेट सपोज असेंबली हो रही है, कोई मतलब आपके कॉलेज या आपके स्कूल्स में असेंबली होती है, प्लस कॉलेज या स्कूल में असेंबली होती है, तो वहां पे आपने लाइन बनाते हो आप. ठीक है, तो वो लाइन क्या है, क्यू का एग्जाम्पल है. लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है, लेट सपोज आप प्लेज करते हैं या आप न्यूज रीडिंग चल रही है आपकी असेंबली के टाइम पे, तो आपने एक लाइन फॉर्म की. सबसे पहला स्टूडेंट जो उस लाइन को फॉर्म करेगा, ही और शी विल बी प्लेस्ड एट फर्स्ट पोजीशन. आफ्टर दैट जो भी सेकंड स्टूडेंट आएगा, ही और शी विल प्लेस्ड एट सेकंड पोजीशन इन द क्यू. सिमिलरली थर्ड इन द क्यू, सिमिलरली फोर्थ इन द क्यू. तो यहाँ पे होता क्या है, जो पहला एलिमेंट या पहला पर्सन आया है जिसने यहाँ पे क्यू स्टार्ट की थी, वो ही सबसे पहले एग्जिट करेगा. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो एंट्री और एग्जिट दोनों आपका पहले एलिमेंट के हो. सो जो पहले आएगा वो पहले आउट होगा. सो क्यू फॉलोज फीफो कॉन्सेप्ट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. That person or that element inserted the queue at first position will be out firstly, right? But in stacks ये विपरीत होता है. यहाँ पे फीलो का कॉन्सेप्ट है stacks में, मतलब जो पहले आया है वो सबसे लास्ट में आउट होगा, while जो लास्ट में आया है वो firstly आउट होगा. ये आपका है stacks का कॉन्सेप्ट और ये है आपका queue का कॉन्सेप्ट. तो यही डिफरेंस है यहाँ पे अगर आप देखें तो.
क्यू में क्या है, पहला एलिमेंट आया वो पहले बाहर जाएगा, सेकंड जो सेकंड प्लेस पे आया है वो सेकंड प्लेस पे ही भर जाएगा, जो थर्ड प्लेस पे आया है वो थर्ड प्लेस पे ही भर जाएगा, और जो फोर्थ प्लेस पे आया है वो फोर्थ प्लेस पे ही बाहर जाएगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड क्यू एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड स्टैक्स, राइट। सो इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फीफो, यू हैव टू रिमेंबर दैट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब नेक्स्ट चीज देख लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैक्स एंड क्यूज। तो यही जो मेन चीज है फीफो एंड लीफो का, यही डिफरेंस है आपका स्टैक एंड क्यू में। यहाँ पे जो रिमूविंग का कॉन्सेप्ट है कि मतलब आइटम कैसे हम रिमूव करते हैं, वो सब का सब डिफरेंट है, सबसे मेजर डिफरेंस वही है। सो इन ए स्टैक वी रिमूव द आइटम दैट इज एडेड मोस्ट रिसेंटली, जो सबसे पहले ऐड हुआ था वो सबसे बाद में आउट होगा, और जो सबसे रिसेंटली ऐड हुआ है वो सबसे फर्स्ट में आउट होगा, ये आपका स्टैक में होता है। जबकि क्यू में जो सबसे पहले आया है वो सबसे पहले आउट होगा, ठीक है। सो फीफो इन क्यू एंड लीफो इन स्टैक्स, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टैक्स एंड क्यूज। इन स्टैक्स वी हैव लीफो, इन क्यू वी हैव फीफो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So I have represented a queue in the form of blocks. So here what we have, this is the entry point. From here peoples are entering, let's suppose. So the first person is placed at this position, the second person at this position, third person, then fourth, then fifth, and similarly the other elements in the queue. So the first person who comes inside this क्यू विल गो आउटसाइड एट फर्स्ट पोजिशन। तो ये पहला जो पर्सन जिसने एंटर किया था क्यू में वही आपका सबसे पहले बाहर आएगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ क्यू। क्यू को आप सिंपल समझिए, ये एक लाइन है, ठीक है, जो पहले एंटर किया वो पहले आउट होगा। तो आइटम को इंसर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं एन क्यू, एंड फॉर डिलीटिंग दिस इज नोन एज डी क्यू। The first element that is present in a queue is known as front, and the last element is known as rear. It follows the concept of first in, first out. This is the way different operations are performed in a queue. Insertion and deletion happens on different end. क्योंकि यहाँ पे जो insertion और deletion होता है वो different end पे happen होता है, इसलिए यहाँ पे आपका ये स्टैक से डिफरेंट है। जैसे आपने स्टैक्स में देखा था, आपका जो ओपन एंड होता था वो सिर्फ एक होता था, आपका ओपन एंड सिर्फ ये होता था। बट इन क्यू वी हैव टू ओपन एंड, एक ये है एक ये है, तो इसलिए यहां से एंट्री हुई और यहां से एग्जिट हुई। बट इन स्टैक्स वी हैव ओनली वन ओपन एंड, सो वट एवर कम्स इन साइड स्टैक विल गो एट द एंड, and the most recent item will go at the first. So we have only a single, a one open end in stack while two in queue. So this is the difference between stack and queue. So if we take the example of the present one, we have two closed end here while we have two open end in the form of insertion and the form of deletion, right? So I think you are able to understand what is the difference between queue and stack. So let's move to the next slide. What are the different operations we can perform in a queue? So there are four basic operations. First is enqueue. Entering or inserting any item in a queue, इसी process को बोलते हैं enqueue. अगर आपकी queue full है, let's suppose आपने एक 10 एलिमेंट का एक एरे बनाया था और आपके 10 एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे जब हम कोई नया यहाँ पे एलिमेंट एंटर करेंगे तो आपका जो क्यू है उसको यहाँ पे ओवरफ्लो कंडीशन दिखानी पड़ेगी, मींस दैट देयर इज नो स्पेस लेफ्ट एंड यू कांट एंटर एनी न्यू वैल्यू। सिमिलरली डी क्यू में रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम द क्यू, इन केस आपको आइटम डिलीट करना है तो आपको बेसिकली अपने जो फ्रंट एंड है
वहां से अटेम्प्ट डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने यहां से एंटर किया, यहां से डिलीट किया, तो आपका जो फ्रंट है यहां से डिलीट हो जाएगा आपके डिलीटिंग एंड से। तो दिस इज द वे टू रिमूव एलिमेंट इन DQ। यहां पे एक जो सिचुएशन आती है, व्हेनेवर द क्यू इज एम्प्टी देन यू हैव टू शो दैट इट इज ए अंडर फ्लो कंडीशन, राइट? मींस वी डोंट हैव एनी आइटम इन क्यू। दिस इज द वे यू कैन इंप्लीमेंट योर क्यू, एंटरिंग द वैल्यू एन क्यू एंड डिलीटिंग डी क्यू। सिमिलरली वी हैव फ्रंट, मीन्स गेट द फ्रंट आइटम फ्रॉम क्यू, द फर्स्ट आइटम फ्रॉम द क्यू, रियर गेट द लास्ट आइटम, राइट? सो दीज आर द फोर थिंग्स फोर ऑपरेशन वी हैव इन अवर क्यू। तो अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हाउ टू इम्प्लीमेंट क्यू, हाउ टू इम्प्लीमेंट डिफरेंट ऑपरेशन इन क्यू। सो फर्स्ट इज एन क्यू ऑपरेशन। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग एरे। एरे की हेल्प से हम कैसे करेंगे, विदाउट यूजिंग एनी पॉइंटर, विदाउट यूजिंग लिंक लिस्ट। यहाँ पे हम एरे का एरे की हेल्प से क्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो लेट्स सी वॉट इज द इम्प्लीमेंटेशन फॉर इंसर्टिंग एलिमेंट इन क्यू। फर्स्ट इज वी हैव टेकन ए फंक्शन इंसर्ट विच इज ऑफ टाइप वॉइड। मतलब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि हम यहाँ पर एलिमेंट इंसर्ट करेंगे और क्यू को एज इट इज छोड़ देंगे। वी आर नॉट रिटर्निंग एनीथिंग द क्यू फ्रॉम द क्यू, राइट? तो सबसे पहले तो जो आइटम हमें ऐड करना है उसके लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया, फिर हमने अपनी ओवरफ्लो कंडीशन को चेक किया। लेट सपोज वी हैव क्यू ऑफ साइज 10, राइट? साइज 10 मीन्स द इंडेक्स विल गो फ्रॉम 0 to 9। ठीक है, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा रियर है, हमारा रियर कहाँ पे है। अगर हमारा रियर 9 के बराबर है, इफ रियर इज इक्वल टू 9, देन वी हैव ओवरफ्लो कंडीशन। मीन्स वी हैव ऑल द एलिमेंट्स, अवर ऑल द 10 इंडेक्सेस आर ऑलरेडी फुल। सो हमें चेक करना पड़ेगा इफ रियर इज इक्वल टू 9, देन वी हैव ए ओवरफ्लो कंडीशन, एल्स वी विल गो विद द क्यू, वी विल गो विद द ऑपरेशन इंसर्ट। तो फर्स्ट चेक करेंगे कि अभी तक इसमें कोई एलिमेंट है या नहीं है। पहली कंडीशन क्या होगी, हमने फ्रंट और रियर दोनों को हम -1 कर देंगे। इट मीन्स वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन अवर क्यू। लेट सपोज वी हैव एन एलिमेंट 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो सबसे पहले क्या होगा कि अभी देखो किसी भी पोजीशन पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है? स्टार्टिंग में ये होगा। यहाँ पे क्या है, जो फ्रंट और रियर दोनों को हमने स्टार्टिंग में -1 कर देंगे। -1 means फ्रंट और रियर अभी तक यहाँ पे हमारे एरे को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है? तो हम चेक करेंगे कि क्या इसमें कोई एलिमेंट अभी तक है या नहीं है। तो सबसे पहली जो कंडीशन होगी, जब पहली बार हम इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी वो होगी फ्रंट इज इक्वल टू -1, मीन्स वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन दिस एरे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रंट को 0 सेट करना पड़ेगा। मतलब फ्रंट को हमें यहाँ रखना पड़ेगा कि फ्रंट अब इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे कि इंसर्ट द एलिमेंट इन क्यू। तो उसके लिए हम यूजर से इनपुट मांगेंगे। अपना जो वेरिएबल हमने बनाया था एड आइटम, उसमें हमने इनपुट लिया, रियर को भी हमने आगे बढ़ाया। यहाँ पे रियर भी 0 0 को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो रियर ने 0 0 को रिप्रेजेंट किया और जो आपका रियर है वहां पे हमने आइटम डाल दिया, ठीक है? तो अभी फ्रंट इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 0 एंड हेयर वी हैव अवर आइटम दैट वी आर गोइंग टू इंसर्ट और आस्किंग एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, ठीक है? तो पहली कंडीशन में ये है। अगर लेट सपोज इसके बाद दोबारा से कुछ आता है तो आपकी ये कंडीशन नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे फ्रंट ऑलरेडी 0 हो चुका है, ठीक है? तो अगेन क्या होगा, दोबारा से हम आइटम आएंगे, रियर को हम दोबारा से इंक्रीमेंट करेंगे। तो एफ की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 0 और आर की वैल्यू 9 तक जा सकती है। तो अगर हमने 9 एलिमेंट इसमें डालने हैं तो हम क्या करेंगे, 9 एलिमेंट यहाँ पे डालेंगे, आर की वैल्यू अप टू 9 हम यहाँ पे डालेंगे और सारे एलिमेंट आपके फिल कर देंगे। एड आइटम की हेल्प से हम हर एक इंडेक्स पे, जब तक कि आर
लेस देन 9 है, तब तक हम इसमें एलिमेंट पुश करते रहेंगे। तो ये आपका इंसर्ट फंक्शन है। सिमिलरली डिलीट, डिलीट में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे वेदर फ्रंट इज इक्वल टू माइनस वन। अगर फ्रंट माइनस वन हो तो उस केस में क्या है, मतलब आपका जो एरे है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास ये अंडरफ्लो कंडीशन है, ठीक है। और दूसरा, ये वैसे कंडीशन आएगी नहीं, मगर दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर, जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको चेक करके भी यहाँ पे अपना अंदाज लगा सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन है, मीन्स वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन एन एरे एंड वी कैन प्रिंट दैट क्यू इज अंडरफ्लो, मीन्स क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपका पूरा का पूरा एरे फुल है लेट सपोज, तो आपको डिलीशन जो आपका स्टार्ट होगा वो यहां से होगा, तो आपको फ्रंट मतलब जीरो इंडेक्स पे आपको एलिमेंट डिलीट करना पड़ेगा, राइट। और फ्रंट को आपको आगे बढ़ा देना है, क्योंकि जब आपके जीरो एलिमेंट इंडेक्स से एलिमेंट डिलीट हो जाएगा तो आपका फ्रंट ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम यही करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या करेंगे, तो ये कंडीशन इसी के लिए है। लेट सपोज फ्रंट और रियर दोनों आपके नाइन नाइन हो गए, तो जब नाइन्थ पोजिशन पे भी आप एलिमेंट डिलीट कर देंगे तो वहां पे क्या होगा, हम फ्रंट को दोबारा से 10 कर देंगे, ठीक है। फ्रंट की वैल्यू हम बढ़ा के 10 कर देंगे और यहाँ पे फ्रंट इज ग्रेटर देन रियर हो जाएगा और अल्टीमेटली आपकी कंडीशन फेल हो जाएगी और आपको सॉरी आपकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी और आपका क्यू अंडरफ्लो दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर और अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो यहाँ पे एल्स में जाएंगे और सिंपली जो भी आपके फ्रंट में एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम रिटर्न कर देंगे और फ्रंट को फ्रंट प्लस वन कर देंगे। तो लेट सपोज वी हैव एन एरे ऑफ 10 एलिमेंट इन विच वी हैव 10 एलिमेंट, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये है जीरो जिसमें अभी फ्रंट है और ये है नाइन। अब ये इंडेक्स है अभी 0, 1, 2 और यहाँ पे एलिमेंट भी इंडेक्स की मतलब जो इंडेक्स मैंने बना रखे हैं वही आपके एलिमेंट भी है, आप सपोज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले अभी क्या है, पूरा का पूरा एरे फिल्ड है तो यहाँ पे ना ही फ्रंट इज इक्वल टू माइनस वन है, क्योंकि फ्रंट आपका क्या है अभी जीरो है, फ्रंट इज इक्वल टू जीरो, रियर इज इक्वल टू फ्रंट इज इक्वल टू जीरो एंड रियर इज इक्वल टू नाइन। तो ना ही आपकी ये कंडीशन फुल फिल होगी या ये कंडीशन ट्रू होगी, ना ही ये कंडीशन ट्रू होगी। तो अब आपको क्या करना है, एल्स में जाना है, एलिमेंट डिलीटेड फ्रॉम क्यू, क्यू एरे फ्रंट, तो फ्रंट का आप पहला एलिमेंट यहाँ पे डिलीट कर दोगे, इसको हटा दीजिए, इसको खाली कर दीजिए, इसको रिटर्न कर दीजिए एंड फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस वन, तो आपकी फ्रंट की नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी वन। सेकेंड टाइम में आप इस एलिमेंट को रिटर्न कर दीजिए, फ्रंट की वैल्यू। तो ऐसे ही जब आप खाली करते रहेंगे आप एक ऐसा टाइम आएगा जब फ्रंट की वैल्यू नाइन हो जाएगी, मतलब आपका सिर्फ एक एलिमेंट बचा है आपके एरे में, तो यहाँ पे फ्रंट की वैल्यू कितनी है, नाइन, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो रियर और फ्रंट हैं दोनों सेम हो गए तो कंडीशन अभी भी फॉलो नहीं होगी यहाँ पे इफ वाली, अभी भी हमें एल्स पे जाना पड़ेगा। और इसके बाद जब एफ की वैल्यू मीन्स फ्रंट की वैल्यू यहाँ पे 10 हो जाएगी ये कंडीशन, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रंट रियर से बड़ा हो जाएगा और ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी। इट मीन्स वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन आवर एरे। सो यहाँ पे क्या है कि आपका एलिमेंट आपका एरे पूरा का पूरा खाली है, तो अगेन आपका अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी। तो इट मीन्स यू नीड टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन योर एरे बिफोर डिलीटिंग इट, ठीक है। तो ये आपका है डिलीट ऑपरेशन, बहुत सिंपल है, इतना टफ नहीं है, विद द हेल्प ऑफ एरे आपका बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, चीजें बहुत सिंपल है, तो आप इनको इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिस्प्ले एलिमेंट ऑफ द क्यू, कैसे आप क्यू के एलिमेंट को डिस्प्ले करवाओगे। तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या है, आपको सिंपल फॉर लूप की हेल्प से आपको फ्रंट से स्टार्ट करना है और अप टू रियर तक सारे एलिमेंट प्रिंट करवा देने हैं। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे कि वेदर योर एरे इज एम्प्टी और नॉट, तो उसके लिए दोबारा से वही कंडीशन, फ्रंट को चेक कर लीजिए, फ्रंट माइनस वन तो नहीं है, अगर माइनस वन है इट मीन्स एम्प्टी, राइट। देन गो टू, इफ दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड देन गो टू एल्स, और यहाँ पे हम आई इज इक्वल टू फ्रंट, लेट सपोज वी हैव
five element in our array. Out of 10, we have five element. 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे एक 10 इंडेक्स का हमने एरे बना दिया, ठीक है, 10 इंडेक्स का हमने एरे बना दिया। और यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि हमने जो आपके पांच एलिमेंट है ऑलरेडी डिलीट कर दिए हैं, हमारे पास सिर्फ यही एलिमेंट बचे हुए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये है आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपका 5 है फिफ्थ इंडेक्स, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9। तो यहाँ पर जो आपका फ्रंट है वो डिनोट कर रहा है 5 को और रियर डिनोट कर रहा है 9 को। ये आपके जो जितने भी आइटम थे आपने डिलीट कर दिए हैं, कंडीशन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है और आपका फ्रंट मूव होके 5 पे आ चुका है। गॉट इट? फ्रंट इज पॉइंटिंग टू 5 एंड रियर इज पॉइंटिंग टू 9। तो वी विल गो फ्रॉम i इज इक्वल टू फ्रंट, i इज इक्वल टू 5 टिल i इज लेस देन इक्वल टू 9। तो फिफ्थ वाली वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। अगेन आपका जो फ्रंट है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब आपका जो i है इंक्रीमेंट हो रहा है, तो i की वैल्यू 6 होगी। तो 6 इंडेक्स पे क्या है, 2। तो 1, 2, 3, 4, 5 आपके प्रिंट हो जाएंगे यहाँ पे, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन डिस्प्ले योर एलिमेंट्स ऑफ यू, राइट। सो फर्स्टली हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे हम विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम वी कैन इम्प्लीमेंट क्यू, राइट। तो यहाँ पे क्यू यूजिंग एरे ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे कमेंट थे कर देता हूँ अगेन, तो यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने क्या प्रोग्राम लिखा हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ पे इंक्लूड stdioh, हमने इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जो हेडर फाइल है उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, राइट। एंड आफ्टर दैट हमने एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है मैक्स, इसकी वैल्यू हमने 10 रखी हुई है। ये है साइज ऑफ यूर एरे, मीन्स साइज ऑफ यूर क्यू। आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटेड 3 फंक्शंस, इंसर्ट, डिलीट एंड डिस्प्ले। वी हैव डिक्लेयर 3 फंक्शन, इनके डेफिनेशन हम नीचे देखेंगे, ठीक है। इंसर्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। इंसर्ट में हमने जो इससे पहले स्लाइड्स में मैंने आपको दिखाया है वही चीज मैंने सेम की हुई है। ये है आपकी जो वैल्यू जो आप यूजर से एंटर करवाएंगे। आफ्टर दैट चेक फॉर ओवरफ्लो कंडीशन, मीन्स ऑलरेडी जो 10 के 10 इंडेक्स हैं वो ऑलरेडी फिल्ड हैं या नहीं। आफ्टर दैट एल्स कंडीशन में जाइए, आप यहाँ पे चेक कीजिए, अगर यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है तो सबसे पहले फ्रंट को जीरो कीजिए। एंड उसके बाद आप यहाँ पे यूजर के थ्रू अपना आइटम पुश करवाइए। जैसे ही आइटम पुश हो गया रियर को भी एक इंक्रीमेंट कीजिए और रियर में आप अपना एलिमेंट पुश कर दीजिए। फ्रंट जीरो पे ही रहेगा जब तक आप वैल्यू एंटर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको डिलीट करना है तो डिलीट कीजिए, वही कंडीशन, आपको सबसे पहले अंडरफ्लो की कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। आइदर फ्रंट इज इक्वल टू -1 और फ्रंट इज ग्रेटर ग्रेटर देन रियर, ये दो कंडीशन है, तो यहाँ पे आपका अंडरफ्लो कंडीशन बन जाएगी। तो अगर ये दो कंडीशन इनमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, इट मींस वी हैव ए अंडरफ्लो कंडीशन। वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन अवर क्यू, इट मींस वी कांट डिलीट एन एलिमेंट। इन केस अगर ये कंडीशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, सिंपली क्यू के जो फ्रंट पे एलिमेंट प्रेजेंट है उसको रिटर्न करवा दीजिए और फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 यहाँ पे कर दीजिए ताकि आपका फ्रंट शिफ्ट हो जाए। डिस्प्ले के टाइम पे आपको यही चेक करना है कि कहीं एरे एम्प्टी तो नहीं है, अगर एरे एम्प्टी है तो यहाँ पे डिस्प्ले करवाइए क्यू इज एम्प्टी, एल्स विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप आप यहाँ पे एरे के सारे एलिमेंट बहुत आराम से प्रिंट करवा दीजिए। देन उसके बाद हमने यहाँ पे एक एरे लिया हुआ है जिसमें हमने इंडेक्स अकॉर्डिंग टू मैक्स डिक्लेयर कर दिया है, रियर और फ्रंट की वैल्यू दोनों की -1 ली हुई। अभी सब के सब तीनों एलिमेंट यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है, जो तीनों वेरिएबल हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं ये ग्लोबल वेरिएबल है। इट मींस
all these variables are available in all the functions that are created inside this program. So in main function, we will hear what we are doing with the help of the choices, means with the help of switch case, we are entering what we want to do, whether we want to insert, whether we want to delete, whether we want to display elements of a queue, right? So we will take a number integer variable as choice. हमने एक while loop लिया हुआ है जो हमेशा true होगा. Means यहाँ पे अगर आपकी true value है, it means while loop आपका हमेशा चलता रहेगा. तो अभी हम इसको 1 यहाँ पे push करते हैं ताकि while loop आपका हमेशा चलता रहे. तो जैसे ही यहाँ पे हमने 4 option दिए हैं, insert element, delete element, display all, quit. तो ये insert के लिए आपका 1, delete के लिए 2, display के लिए 3, quit के लिए 4. फिर यहाँ पे पूछेंगे आपकी choice क्या है, आपको क्या चाहिए, आप insert करना चाहते हैं, delete करना चाहते हैं, display करना चाहते हैं, quit करना चाहते हैं. तो यहाँ पे मैं एक choice में मैं अपनी choice fill कर दूंगा और switch के अंदर उस choice को push कर दूंगा. तो अगर आपकी 1 choice है तो आपका insert call हो जाएगा और उसके बाद break हो जाएगा. 2 choice है तो आपका delete होगा, उसके बाद break हो जाएगा, ठीक है. चॉइस 3 है तो डिस्प्ले होगा, ब्रेक हो जाएगा. एंड चॉइस 4 है तो हमने एग्जिट यहाँ पे यूज कर लिया है. एग्जिट मींस वी नीड टू एग्जिट फ्रॉम अवर व्हाइल लूप, ठीक है. और डिफॉल्ट क्या है आपका, रॉन्ग चॉइस. अगर आपने 1 2 3 4 के अलावा कुछ यहाँ पे इंसर्ट किया है तो आपका दिखा देगा यू हैव एंटर्ड रॉन्ग चॉइस. तो एक बार प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं यूजिंग बिल्ड एंड रन, राइट. तो वी हैव 4 ऑप्शन, 1 2 3 4. तो लेट्स एक बार हम यहाँ पे एक रॉन्ग ऑप्शन डालते हैं 5. सो इट इज सेइंग रॉन्ग चॉइस. दोबारा से हमारा वाइल लूप चल गया, ठीक है. आपने रॉन्ग चॉइस डाली है, दोबारा से आप यहाँ पे चॉइस डालिए. तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, एक बार हम यहाँ पे इंसर्ट एलिमेंट, सो वी आर गोइंग टू इंसर्ट एलिमेंट इन टू द क्यू. तो सबसे पहले आप एंटर कीजिए 1. जैसे ही 1 एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपकी आपसे वो पूछ रहा है कि आपको क्या एलिमेंट इंसर्ट करवाना है. तो मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ जिससे मेरा पहला एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा. सिमिलरली इट विल आस्क फॉर अनदर चॉइस. आई विल अगेन गो फॉर 1 इन विच आई विल गिव 20. सिमिलरली अगेन फॉर 1 आई विल गिव 30. एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स. सो यूजिंग 3 आई कैन डिस्प्ले. तो यहाँ पे दिख रहा है कि क्यू इज दिस मीन्स 1023. सो वी हैव 3 वैल्यूज इन अवर क्यू, राइट. अब यहाँ पे हम डिलीट करके देखते हैं बाय एंटरिंग ऑप्शन 2. तो एंटर योर चॉइस किया तो यहाँ पे जो सबसे पहला एलिमेंट डिलीट होगा वो जो हमने सबसे पहले एंटर किया है, मतलब हम फ्रंट से डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे. तो आपका 10 यहाँ पे डिलीट हो गया. तो यहाँ पे 3 एंटर किए मींस डिस्प्ले एलिमेंट्स ऑफ क्यू. तो यहाँ पे आपके एलिमेंट्स अगेन डिस्प्ले हो जाएंगे. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 एंड 30 आर द एलिमेंट्स वी हैव इन अवर क्यू, राइट. तो दिस इज द वे यू कैन एंटर एंड यू कैन डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम योर क्यू. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो डिस्प्ले योर वैल्यूज ऑफ क्यू. अब यहाँ पे आपको अंडरफ्लो या ओवरफ्लो की कंडीशन भी दिखा देता हूँ एक बार. सो वी आर डिलीटिंग वन मोर टाइम, राइट. अगेन डिलीट अगेन. सो हियर फर्स्ट द वैल्यू डिलीटेड इज 20 एंड आफ्टर दैट वैल्यू डिलीटेड इज 30. सो इफ अगेन आई विल एंटर माई चॉइस एज 2 देन इट विल थ्रो मी एन अंडरफ्लो कंडीशन. Q is underflow. See that? I think you are able to view what is happening here. Q is underflow because we don't have any element in Q. Because we have deleted 10, 20 and 30. All element we have deleted. So we will have a underflow condition. Similarly, you can enter 9 values in this array, in this queue. And after that, if again you are, 9, not 9. If you are... Let's suppose you have entered 10 values. आपने 10 value यहाँ पे enter कर दी. और उसके बाद अगर 11th value आप enter करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपकी overflow की condition आपको दिखा देगा. So this is the way you can implement your queue using array.
अब यहाँ पे हम इसको क्विट कर देते हैं यूजिंग चॉइस फोर। तो आफ्टर क्विटिंग सिंपली आपका जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम से एग्जिट कर गया और यहाँ पे हम प्रोग्राम से बाहर आ गए। तो दिस इज द वे यू कैन इम्प्लीमेंट योर क्यू, राइट। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक लिस्ट क्या होता है। लिंक लिस्ट बेसिकली नोड होता है जो एक स्ट्रक्चर टाइप के डेटा टाइप से बना होता है। अगर आप देखें स्ट्रक्चर टाइप के डेटा टाइप से बना होता है जिसमें एक वैल्यू आपकी डेटा को स्टोर करती है और दूसरी वैल्यू पॉइंटर वेरिएबल। तो ये आपका एक नोड है इन विच योर फर्स्ट आइटम विल बी स्टोर्ड। और यहाँ पे आप सिंपली एक नोड ऐसा बनाएंगे जो क्यू को रिप्रेजेंट करेगा, जहां पे दो डेटा मीन्स दो पॉइंटर वेरिएबल होंगे, एक फ्रंट एंड एक रियर, एंड एक तीसरा जो आपके काउंट को डिनोट करेगा मीन्स हाउ मेनी एलिमेंट्स you should have or the maximum number of element you are having in your queue, right? So front will point to the first element and rear will point to the last element, right? And every node will be connected with the help of pointer part, the next part, right? So this is the way you can implement your queue using linked list. Let's go to the next slide. Here if we represent our queue, so this is our queue. With the help of structure, we can declare our queue in which we have a count element that is of type integer, and second one and third one is front and rear, which are having node type. Node kya hai basically? Node bhi aapka ek struct type ka hai, jiske andar aapka ek data part hai. Node aapka ye hai basically, data part and pointer part. Agar main isko likhna chahun, to aap simply likh sakte hain. ये आपका एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपका यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्ट यू कैन क्रिएट योर नोड। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, टाइप करना भूल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंट डेटा पार्ट आ जाएगा फर्स्ट में, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे आपका इंट नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा जिसमें आपका जो आपका पॉइंटर टाइप है, ठीक है। ध्यान रखना है कि जो सेकंड वाला होगा यहाँ पे एड्रेस स्टोर होगा, तो ये पॉइंटर टाइप होगा और पहला वाला आपका डेटा टाइप, और ये आपका नोड बन गया। तो इस तरीके से आप नोड बना सकते हैं और उसी की नोड की हेल्प से आप यहाँ पे फ्रंट और रियर बना रहे हैं। मीन्स फ्रंट और रियर में क्या चीजें स्टोर होंगी, जो फ्रंट और रियर पॉइंटर है वो किस टाइप के डेटा को पॉइंट कर रहे हैं, वो आपके नोड टाइप के डेटा को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने विद द हेल्प ऑफ टाइप डेफिनेशन, टाइप डेफ हमने क्या किया यहाँ पे, स्ट्रक्ट क्यू की मदद से जो स्ट्रक्चर क्यू बनाया था उसकी हेल्प से आपने इनिशियल नोड क्यू बना दिया, ठीक है। तो ये आपका हर जगह यूज होगा फॉर लिंकिंग योर डिफरेंट नोड्स। तो ये एक स्ट्रक्चर है क्यू का, इसमें आप फ्रंट रियर एंड काउंट ये तीन चीजें यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अब देखते हैं पहला ऑपरेशन, हाउ टू इनिशियलाइज ए क्यू। आपने देखा ना एन क्यू, तो वही एन क्यू है ये। तो एन क्यू में सबसे पहले हम उस क्यू जो हमने क्यू अभी बनाया है उसको हम एज ए पैरामीटर पुश करेंगे। तो सबसे पहले इनिशियलाइज करते समय क्यू काउंट इज इक्वल टू जीरो बिकॉज वी डोंट हैव एनी एलिमेंट इन अवर क्यू, तो वी विल सेट द वैल्यू ऑफ काउंट एज जीरो। एंड फॉर फ्रंट एंड रियर वी विल पॉइंट बोथ फ्रंट एंड रियर टू नल बिकॉज वी डोंट हैव एनी वैल्यू, सो वी कैन point front and rear to the null, right? Second operation, if you want to check whether our queue is empty or not, then we have a function is empty, okay? Is empty check करने के लिए हम queue pointer को यहाँ पे pass करेंगे और queue pointer के rear को check करेंगे with null। अगर rear आपका null को point कर रहा है, it means it will return true. True means empty, queue is empty. और अगर ये null नहीं होगा, it will return false.
फॉल्स। सो ट्रू के केस में एम्प्टी है, फॉल्स के केस में एम्प्टी नहीं है, ध्यान रखना है। तो अगर ये नल को पॉइंट कर रहा है रियर, तो यहाँ पे भी क्या है, ये एम्प्टी है, तो आपका ये जो फंक्शन है वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हियर वी हैव एन क्यू ऑपरेशन। तो द फर्स्ट वन इज इनिशियलाइज, हाउ टू इनिशियलाइज अ क्यू, एंड द सेकंड वन इज एन क्यू ऑपरेशन। तो ये यहाँ पे मैंने आपकी एल्गोरिथम लिख दी है, सिंपल एल्गोरिथम है, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है यहाँ पे, जब भी आप कोई नया नोड यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नोड क्रिएट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे नोड डिक्लेयर कीजिए, नोड को मेमोरी दीजिए विद द हेल्प ऑफ मेलॉक, ठीक है, मेमोरी एलोकेशन। और कितनी मेमोरी देनी है, वो जितनी नोड की है, जितना नोड का साइज है उतनी ही आपको इसको मेमोरी प्रोवाइड करनी है। तो टेम्प में आपने क्या, टेम्प को क्या किया, आपने टेम्प को मेमोरी प्रोवाइड कर दी। अब टेम्प के डेटा पार्ट को फिल कीजिए विद द हेल्प ऑफ वैल्यू, जो भी आपका यूजर इनपुट प्रोवाइड करेगा उसकी हेल्प से आप डेटा पार्ट में वैल्यू फिल करेंगे। अब आपको चेक करना है कि वेदर क्यू इज एम्प्टी। अगर आपका क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट और रियर ये दोनों हैं आपके क्यू के इस नोड को पॉइंट करना स्टार्ट करेंगे। लेट सपोज आपने एक नोड बनाया है विद वैल्यू 4। अब फ्रंट और अगर आपका जो आपका क्यू है कंप्लीटली अभी एम्प्टी है, यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू 0 है, तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्यू के फ्रंट और क्यू के रियर दोनों को 4 इस नोड 1 की तरफ पॉइंट कर देंगे, ठीक है, दिस इज नोड 1। तो आपने नोड 1 जिसमें वैल्यू 4 है उसकी तरफ पॉइंट करना स्टार्ट कर दिया। और अगर ये केस नहीं है, यहाँ पे आपका क्यू ऑलरेडी क्यू में कोई वैल्यू प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, अपने रियर को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो रियर में वैल्यू थी उसको तो एज इट इज रखना है, बस क्यू का रियर जिस नेक्स्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था वहां पे आपको क्या करना है, अपना टेम्प पुश कर देना है, और जो आपका नया रियर बन जाएगा वो आपका टेम्प बन जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो आपका नया नोड है वो ये है, आपका जो नया नोड है वो ये बी है, और यहाँ पे क्या है, जो आपका नया नोड है वो है बी, और यहाँ पे आपने क्या किया, आपने क्यू के रियर का जो नेक्स्ट था, जो क्यू के रियर, रियर अभी इसको पॉइंट करता था सबसे फर्स्ट केस में, तो क्यू के रियर का जो नेक्स्ट है वो आपका पॉइंट करेगा टेम्प की तरफ, वो टेम्प को पॉइंट करेगा, एंड क्यू ऑफ रियर विल पॉइंट टू दिस न्यू टेम्प्रेरी नोड। तो ये आपका हट गया यहां से, सॉरी फ्रंट तो रहेगा मगर आपका जो रियर का कनेक्शन है, जो पहले रियर इसको पॉइंट कर रहा था, वो आपका हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, क्यू के रियर का पॉइंटर हटा के, पहले तो हमने क्या किया, क्यू के रियर के नेक्स्ट में टेम्प डाल दिया, मतलब क्यू का जो रियर का नेक्स्ट था वो टेम्प को पॉइंट करेगा, और क्यू के रियर को ए से हटा के बी की तरफ पॉइंट आउट कर दिया। फ्रंट में हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना है। और इस केस में जब 3 और 4 ऑपरेशन हो रही है, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना जो काउंटर है उसको इंक्रीमेंट कर देना है, ताकि आपको विद द हेल्प ऑफ काउंट वैल्यू यू आर एबल टू नो हाउ मेनी वैल्यूज, हाउ मेनी आइटम्स प्रेजेंट इन अवर क्यू। तो ये आपका एल्गो है, एंड दिस इज योर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर क्यू। तो इसका एक बार हम दोबारा से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो फ्रंट है वो पहले एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा, अगर आपका थर्ड एलिमेंट यहाँ पे दोबारा से आ रहा है तो आप क्या करोगे, जो रियर का नेक्स्ट है, अभी हमारा इस टाइम पे रियर हमारा सेकंड था इससे पहले, तो रियर के नेक्स्ट को हम पॉइंट करेंगे टेम्प्रेरी नोड पे, एंड क्यू का जो रियर है वो पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर जाएगा आपके टेम्प्रेरी नोड को। और काउंट की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, काउंट को हमें दोबारा से एक इंक्रीमेंट कर देना है, तो काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3, बिकॉज वी हैव 3 आइटम्स इन अवर क्यू। एक बार हम इसकी प्रोग्रामिंग देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। आपने सिंपली जो आपने क्यू यहाँ पे बनाई थी उस क्यू को यहाँ पे पास करना है इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू पास वैल्यू, विच वैल्यू यू आर गोइंग टू इंसर्ट इन योर क्यू एज ए न्यू आइटम, राइट। तो आपने यहाँ विद द हेल्प ऑफ नोड आपने यहाँ एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया। नोड क्या है, सिंपल एक डेटा एलिमेंट और एक पॉइंटर एलिमेंट। फिर आपने टेम्परेरी जो आपने वेरिएबल बनाया था इसमें आपने मेलॉक की सहायता से मेमोरी दी, टेम्प के डेटा को विद द हेल्प ऑफ वैल्यू सेट किया, टेम्प के नेक्स्ट को नल सेट किया।
अब यहाँ पर आपको चेक करना है जो थर्ड पार्ट थर्ड पॉइंट था आपकी एल्गो का, अगर क्यू एम टी है, सॉरी अगर क्यू एम टी यहाँ पे ये क्यू एम टी वाला पार्ट है, ठीक है, तो ये तो अगर एम टी नहीं है, और अगर एम टी है तो आपको सिंपली क्या करना है, क्यू के फ्रंट और क्यू के फ्रंट को और क्यू के रियर को आपको पॉइंट आउट कर देना है, क्यू के फ्रंट को और क्यू के रियर को आपको पॉइंट पॉइंट आउट कर देना है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था। तो यहाँ पे हम एन क्यू के प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंटेशन को देख रहे थे, तो यहाँ पे क्या है, जो एन क्यू है, एन क्यू में हम दो वैल्यू पास करेंगे, टू पॉइंटर एंड वैल्यू, व्हाट द वैल्यू वी आर गोइंग टू इंसर्ट इन अवर क्यू एज ए न्यू एलिमेंट। तो ये चीजें हमने यहाँ पे देख ली थी। अब ये जो पार्ट है ये है पार्ट इफ क्यू इज नॉट एम्प्टी, एंड दिस पार्ट रिप्रेजेंट एल्स पार्ट रिप्रेजेंट इफ क्यू इज एम्प्टी। तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको क्यू का फ्रंट एंड क्यू का रियर बोथ विल बी पॉइंट टू टेम्परेरी वेरिएबल, बोथ टेम्परेरी वेरिएबल को पॉइंट आउट करेंगे। बट अगर यहाँ पे एम्प्टी नहीं है क्यू, तो आपको क्या करना है, क्यू का जो रियर है वो पॉइंट, क्यू के रियर का नेक्स्ट जो है वो पॉइंट करेगा आपका, क्यू के रियर का नेक्स्ट मीन्स दिस दिस वन दिस पॉइंटर, इट विल रिप्रेजेंट इट विल पॉइंट आउट टू टेम्परेरी वेरिएबल और द टेम्परेरी वैल्यू दैट वी हैव क्रिएटेड एज ए न्यू एलिमेंट, एंड द क्यू ऑफ रियर विल पॉइंट आउट टू टेम्परेरी। सो क्यू ऑफ रियर विल पॉइंट आउट टू टेम्परेरी, ये वो वाला केस है जब आपके पास ऑलरेडी एक एलिमेंट है और आप दूसरा एलिमेंट बी यहाँ पे पुश कर रहे हैं। सिमिलरली थर्ड केस में आपका जो क्यू का रियर का नेक्स्ट है वो पॉइंट आउट करेगा नया एलिमेंट टेम्परेरी को, अभी टेम्परेरी हमारा सी है, एंड आफ्टर दैट द क्यू ऑफ रियर विल पॉइंट आउट टू सी। सो दिस इज द वे यू कैन इम्प्लीमेंट योर एन क्यू ऑपरेशन इन क्यू। After that, at the end, you have to increment count value, right? The DQ operation, how to delete a element or an element from the queue. तो आपको क्या करना है, सबसे पहले temporary node बनाना है, इस temporary node को point करना है अपने front node पे, right? Store the value of data that is present in temporary node. मतलब जो भी डेटा आपका पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको आपको एक वेरिएबल में लेना है, और अपने जो फ्रंट पॉइंटर को है उसको मूव कर देना है उस लोकेशन से नेक्स्ट लोकेशन पे, राइट, एंड आफ्टर दैट जस्ट डिलीट दैट टेम्परेरी नोड एंड रिटर्न द वैल्यू। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको एक बार मैं पिक्टोरियल वे में समझा देता हूँ। आपका लेट सपोज यहाँ पे एक लेट सपोज ये आपका क्यू का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो आपको फ्रंट को क्या करना है, आपको एक टेम्प नोड लेना है सबसे पहले, ये आपका टेम्प नोड है, टेम्प विल पॉइंट आउट टू दिस, राइट। तो जब टेम्प इसको पॉइंट आउट करेगा तो आपको क्या करना है, टेम्प की वैल्यू, जो टेम्प में जो डेटा एलिमेंट पड़ा था उसको एक वैल्यू टाइप के इंटीजर वेरिएबल में या स्ट्रिंग कैरेक्टर वेरिएबल में आपको ले लेना है। तो वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे, वैल्यू इज ए कैरेक्टर वेरिएबल राइट नाउ, तो वी हैव वैल्यू इज इक्वल टू ए, राइट। तो अब उसके बाद क्या करना है, अपने फ्रंट को पॉइंट करना है टेम्प टेम्प के नेक्स्ट पे, तो फ्रंट इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, और उसके बाद टेम्प को आपको फ्री कर देना है। तो आपका यहाँ पर से जो फ्रंट था पुराना वाला फ्रंट वो डिलीट हो जाएगा और इस वैल्यू को रिटर्न कर देना है कि हमने वैल्यू ओ ए डिलीट मार दी है, और आपका फ्रंट अब ये नेक्स्ट वाला एलिमेंट बन जाएगा। So this is the way you can perform your DQ operation, right? So let's go to the programming implementation of this DQ. So in this DQ operation, we will pass our queue as parameter. उसके बाद हम एक temporary variable लेंगे in the form of node, जो एक जो हमारे front को store करने में हमारी help करेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो value element था उसके अंदर हम डाल लेंगे फ्रंट का डेटा, एक्चुअली इसको हमें रिटर्न करना है, मीन्स हमने ये डेटा डिलीट मारना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेम्प में फ्रंट को स्टोर कर लेंगे, टेम्प इज इक्वल टू क्यू ऑफ फ्रंट, और फ्रंट को हम एक पोजीशन आगे बढ़ा देंगे, तो अब जो नया फ्रंट है वो फ्रंट ऑफ नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है।
और सिंपली जो आपके क्यू का काउंट है उसको डिक्रीज कर देंगे और अल्टीमेटली अपने टेम्प को हम फ्री कर देंगे। और जब हम रिटर्न करेंगे तो रिटर्न एन मीन्स जो भी हमने फ्रंट का डेटा लिया था उसको हम रिटर्न कर देंगे दैट वी हैव डिलीटेड दैट डेटा फ्रॉम अवर क्यू। सो दिस इज द वे यू कैन डिलीट एलिमेंट्स फ्रॉम द क्यू। तो एक बार इसका प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी है। जो आपने यहाँ पे अभी फंक्शंस देखे हैं वही चीज यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा इस पर फोकस करें बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। बस आपको धैर्य के साथ इस लेक्चर को बार बार देखना है, बार बार देखेंगे बार बार समझेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। और अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा फोकस करनी है, क्योंकि यहाँ पे फोकस इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने अभी रिसेंटली मैचेस देखे होंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, तो जैसे अगर आप देखें तो द मोस्ट फोकस्ड प्लेयर इन दिस सीरीज और इन आवर इंडियन टेस्ट टीम इज पुजारा, जो आपका 100 200 बॉल 300 बॉल खेलने के बाद भी वो बिल्कुल रन नहीं बनाता है मगर लगा रहता है। क्योंकि टेस्ट मैच में यही होता है, टेस्ट मैच का मकसद यही होता है, टेस्ट मैच में आपको थकाना है लोगों को, थका के उसके बाद बाकी प्लेयर आके अपना काम कर देते हैं। मेन देखो वाहवाही उसकी नहीं होती जो ग्लैमर बिखेरता है टेस्ट में या कहीं पे भी, मगर जो एक्चुअल में जो बैकबोन है पूरी टीम की वो है पुजारा और जो आपके टेस्ट के प्लेयर हैं बहुत ज़बरदस्त वाले, जैसे इससे पहले विजय था मगर विजय तो आउटसाइड बाहर हो चुका है। तो ऐसे ही जैसे विजय रहाणे, ये सारे ऐसे प्लेयर हैं जो दिखते नहीं है फोर फ्रंट में मगर ये काम अपना करते रहते हैं। तो आप भी कंसंट्रेशन और फोकस के साथ एक एक चीज को देखिए, व्हाट इज इंक्लूड, व्हाट इज हैश, व्हाट इज एसटीडीआर, तभी आपको समझ में आएगा। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक एंड डिस्कस व्हाट इज द प्रोग्राम, राइट। तो इस प्रोग्राम को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम दो लाइब्रेरी फाइल्स एसटीडीआईओ और एसटीडी लिब को यहाँ पे यूज करते हैं। फिर हमने तीन यहाँ पे वैल्यूज बनाई हुई है, ट्रू फॉल्स एंड फुल। तीन वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं विद द हेल्प ऑफ डिफाइन। ट्रू की वैल्यू हमने 1 रख दी, फॉल्स की हमने 0 एंड फुल की वैल्यू 10। फुल मींस द मैक्सिमम एलिमेंट दैट कैन एंटर इन आवर क्यू, राइट। ट्रू और फॉल्स हम इफ के अंदर यूज करेंगे, वेयर एवर वी हैव वी नीड और वी फील सो दैट वी नीड दिस काइंड ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले नोड अपना हम यहाँ पे बना लेते हैं। नोड आपका सिंपल है, नोड में एक डेटा एलिमेंट होगा और एक पॉइंटर वेरिएबल जो पॉइंट करेगा इसी टाइप के नोड को, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप डेफ, टाइप मीन्स ये सिंपली क्या करता है, इस टाइप की एक नई डेफिनेशन क्रिएट कर देता है इस वेरिएबल के लिए, ठीक है। तो ये नोड क्या है, बेसिकली इसी टाइप का एक नया वेरिएबल है, राइट। आफ्टर दैट वी विल क्रिएट ए क्यू दैट इज ऑफ स्ट्रक्ट टाइप, स्ट्रक्चर टाइप। इसमें एक वेरिएबल है काउंट, सेकेंड इज फ्रंट एंड थर्ड इज रियर। बोथ फ्रंट एंड रियर आर ऑफ टाइप नोड, ठीक है। फ्रंट और रियर दोनों ही पॉइंट करेंगे नोड टाइप के वेरिएबल को, ये ध्यान रखना। और यहाँ पे हमने एक नया क्यू क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ टाइप डेफ। अब एक्चुअल ऑपरेशन आपकी स्टार्ट होंगी, कैसे इनिशियलाइज करना है। सिंपली सिंपली आपको क्या करना है, क्यू को यहाँ पे पास करना है और क्यू के काउंट में 0 बाकी जगह पे नल आपको डाल देना है। इज एम्प्टी के लिए आपको सिंपली चेक करना है कि वेदर क्यू ऑफ रियर मतलब जो आपका रियर है उसमें कोई वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट नहीं है मींस वो नल है, तो इट मींस योर क्यू इज एम्प्टी, ध्यान रखना। अगेन दिस इज फॉर एम्प्टी। एंड अगर आपको वैल्यू एंटर करवानी है तो आपको एन क्यू आपको फंक्शन बनाना पड़ेगा, उसमें आपको अपनी क्यू पास करनी है और जो भी वैल्यू आपको इंसर्ट करनी है वो आपको पास करनी है। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे वेदर क्यू ऑफ काउंट इज लेस देन फुल मींस लेस देन 10, इट मींस वी हैव वी कैन एंटर वैल्यूज इन अवर क्यू। तो यहाँ पे एक नोड बनाना है, टेम्परेरी नोड, जिसमें आप इसको आप कुछ मेमोरी एलोकेट करेंगे, उसमें कुछ डेटा पुश करेंगे, उसमें कुछ उसके जो नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल है उसमें नल पुश करेंगे और उसके बाद चेक करेंगे वेदर दिस क्यू इज एम्प्टी और नॉट। अगर ये एम्प्टी नहीं है तो आप सिंपली क्या करेंगे, क्यू के रियर का जो नेक्स्ट है वो आपका टेम्प हो जाएगा और क्यू का रियर जो है वो आपका वहां पे टेम्प स्टोर हो जाएगा। इट मींस यू आर एंटरिंग ए न्यू वैल्यू इन यूर रियर एंड यू आर मेकिंग
and you are making your rear to the next one, right? So this is the way you can re-enter a node in your queue. ठीक है, आपने नोड इन द फॉर्म ऑफ टेम्प्रेरी वेरिएबल या टेम्प्रेरी डेटा आपने बनाया, बाकी उसके बाद क्या किया आपने, क्यू के रियर के नेक्स्ट को टेम्प बना दिया, ठीक है, और क्यू का रियर जो अब हो जाएगा आपका टेम्प हो जाएगा। सिंपल है, वो ज़्यादा टफ नहीं है। और अगर आपका क्यू एम्प्टी है तो आपको क्या करना है, क्यू का फ्रंट और क्यू का रियर दोनों टेम्प की तरफ पॉइंट करेंगे और सिंपली क्यू के काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है बाई वन। और अगर जो आपकी कंडीशन ये थी, ये कंडीशन फेल हुई, मीन्स आपका क्यू का काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, इट मीन्स यू आर ओवरफ्लोइंग, तो योर लिस्ट इज ऑलरेडी फुल, राइट? तो इसमें मैक्सिमम हम ये ट्राई कर रहे हैं कि मैक्सिमम इसमें 10 एलिमेंट जाए। नेक्स्ट विल बी डी क्यू, हाउ टू रिमूव एलिमेंट फ्रॉम योर क्यू। तो उसके लिए अगेन आपको एक टेम्प्रेरी नोड लेना है, आपको जो वैल्यू डिलीट करनी है उस वैल्यू को अपने वेरिएबल n में स्टोर करा लेना है विद द हेल्प ऑफ क्यू फ्रंट डेटा। क्यू का जो भी फ्रंट है डेटा पार्ट को आपने एन में स्टोर कर देना है। आफ्टर दैट टेम्प के अंदर आपको अपना फ्रंट स्टोर कर लेना है और क्यू का फ्रंट आपको क्यू के फ्रंट के नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर देना है। मींस अभी आपका फ्रंट था लेट सपोज फर्स्ट आइटम, तो आपको आपका जो नया फ्रंट होगा वो आपका सेकेंड आइटम हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट को तो आपको डिलीट करना है। आफ्टर दैट यू विल डिक्रीमेंट यूर नंबर ऑफ आइटम्स और द क्यू बाई वन, क्योंकि आपका अगर टोटल एलिमेंट 9 थे, आपने एक आइटम डिलीट मार दिया तो आपका जो काउंट है वो घट जाएगा। अल्टीमेटली आपको टेम्प को फ्री कर देना है बिकॉज लिंक लिस्ट का यही फायदा है, यहाँ पे आपको आपको मेमोरी आप इजीली फ्री कर सकते हैं। एंड एट द एंड यू विल रिटर्न यूअर डेटा वैल्यू ऑफ फ्रंट, एंड एट द एंड यू विल यू हैव ए न्यू फंक्शन इन विच यू कैन डिस्प्ले यूर एलिमेंट्स फ्रॉम योर क्यू। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने एक वेरिएबल बना लिया हेड, जो किस टाइप का है, नोड टाइप का है, ठीक है। अगर हेड इज इक्वल टू नल है, इट मींस तो हेयर हेड इज पासिंग इन योर मेन फंक्शन। इफ यू सी इन डिस्प्ले क्यू यू आर पासिंग क्यू ऑफ फ्रंट एज हेड, तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन नहीं होना इससे, ये हम कुछ भी लिख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे क्यू के फ्रंट को पास कर रहे हैं, अगर फ्रंट नल है मीन्स वी डोंट हैव एनी एलिमेंट, अगर नल नहीं है हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट के डेटा को प्रिंट करेंगे, उसके बाद फ्रंट को नेक्स्ट तक ले जाएंगे जब तक कि हम एंड एलिमेंट तक या लास्ट एलिमेंट तक पहुंचना रहे। उसके बाद मेन में देखिए, आपने एक क्यू बनाई, क्यू को साइज एलोकेट किया, ठीक है, उसके बाद आपने इनिशियलाइज कर दी क्यू, जो आपने सबसे पहले फंक्शन बनाया था, इनिशियलाइज की, तो आपका काउंट जीरो हुआ, फ्रंट में नल हुआ, रियर में नल। सिमिलरली उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे एन क्यू मीन्स वैल्यू एंटर करवाएंगे 10, सिमिलरली वैल्यू एंटर करवाएंगे 20, एंड आफ्टर दैट यू विल एंटर वैल्यू 30। उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पे क्यू को प्रिंट करवा दीजिए, मींस क्यू बिफोर डी क्यू, टोटल हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन देयर क्यू, तो आप विद द हेल्प ऑफ क्यू फ्रंट यू कैन प्रिंट योर एलिमेंट इन योर क्यू, ठीक है। तो आप डी क्यू करना स्टार्ट कीजिए, आपने डी क्यू कॉल किया, यहाँ पे आपने क्यू पास कर दी, तो क्यू आफ्टर यहाँ पे एक एलिमेंट यहाँ पे आपका डिलीट होगा और उसके बाद आप दोबारा से क्यू को डिस्प्ले करवा दीजिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, आपने तीन एलिमेंट एंटर किए और एक एलिमेंट डिलीट किया, और उसके बिफोर डिलीशन क्या सिचुएशन थी और आफ्टर डिलीशन क्या सिचुएशन थी, और उसके बाद एट द एंड रिटर्न जीरो, बिकॉज वी हैव इंट में, ये चाहता है कि कुछ ना कुछ इंटीजर वैल्यू रिटर्न। तो एक बार देख लेते हैं अपने प्रोग्राम को रन करके हाउ इट परफॉर्म्स। तो बिल्ड एंड रन, before that we have value 10 20 30 and null, and after that when we try to delete, the first element will be deleted from queue, whichever we have entered first which will be deleted first. So aapka 10 delete hua, aapke jo element yahan pe rahenge 20 30 and null, theek hai, to ye hai before dq and after dq. To yahan pe hamara queue ka major portion over ho chuka hai. Ab yahan pe hum kuch cheeze hamari pending hai, ऐसा कि हम देख सकते हैं बहुत छोटे से टॉपिक हैं, बहुत टफ नहीं है। एक तो सर्कुलर क्यू है, ठीक है, सर्कुलर क्यू, डी क्यू एंड रिकर्शन, इनको हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है, जितना शेयर करेंगे इस
चैनल को ग्रोथ मिलेगी और यहाँ पे और क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे कमेंट कीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट कर सकते हैं, और इन केस आप थोड़ा हिचक रहे हैं तो आप मुझे पर्सनल मेल भी भेज सकते हैं। इन केस आपको कोई पीपीटी चाहिए, स्लाइड चाहिए, तो नॉल नेस्ट KNOLNEST ये आपका ईमेल आईडी है, जहाँ पे आप @gmail.com, ठीक है, जीमेल पे आईडी है। तो इस पे आप कोई भी क्वेरी है तो आप पर्सनली मुझे भेज सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, मैं आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ। वट एवर इज योर क्वेरी, वट एवर आर योर क्वेश्चंस, आई विल एंटरटेन देम, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना लाइक करेंगे थोड़ा सा हमारी रीच बेटर रहेगी और यहाँ से हमें और थोड़ा मोटिवेटेड फील होगा। ट्राई कीजिए, जितना आप ट्राई करेंगे, जितना आप प्रोग्राम बनाएंगे, आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट यूनिट में हम सर्कुलर क्यूज, सॉरी नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्कुलर क्यूज, EQs एंड रिकर्शन पढ़ेंगे। ओके, बाय।